आज एक दर्दनाक हादसे में एक रिटायर्ड ZDO बाबूराम मनवार की मौत हो गई। एक व्यक्ति जो मानसिक तौर पर ठीक नहीं बताया जा रहा है, वो व्यक्ति खौड़ के एक इलाके में घूम रहा था और बताया जा रहा है कि घूमते घूमते अचानक उसने बाबूराम मनवर उनके ऊपर हमला कर दिया और उस हमले के बाद बाबूराम मनवर को CHC खौड़ की तरफ जब ले जा रहे थे तो उनकी मौत हो गई और उनके साथ में दो लोग सीता देवी और विनीत कुमार जो बीच में पड़े जिन्होंने कोशिश की उनको बचाने की, उनको भी इस जो मानसिक तौर पर ये व्यक्ति जो जिसे बीमार बताया जा रहा है, इस व्यक्ति ने उनको भी बुरे तरीके से जख्मी किया। इस व्यक्ति का नाम अशोक कुमार बताया जा रहा है, ये नारायणा खौड़ का रहने वाला है और ये बताया जाता है कि ये पर्थी लेकर इस इलाके में अक्सर घूमता हुआ नजर आता था, लेकिन आज तक इसने किसी के ऊपर हमला नहीं किया, आज तक किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन आज इसने ZDO रिटायर्ड ZDO बाबूराम मनवर उनके ऊपर हमला किया, गंभीर रूप से उनको घायल किया। उसके बाद जब उनको CHC खौड़ की तरफ ले जा रहे थे, रास्ते में ही उनकी मौत हो गई और उसके साथ में सीता देवी और विनीत कुमार, ये दो लोग हैं जिन लोगों को जो लोग जख्मी हैं। ये सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार क्या कारण था, किन कारणों से एक व्यक्ति, अगर वो जहनी तौर पर ठीक नहीं था, दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, तो वो पर्थी लेकर घूम रहा था इस इलाके में और उसके बाद वो हमला करता है और एक व्यक्ति की जान लेता है। सुनिंदर जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये रिटायर्ड ZDO बाबूराम मनवर, इनको जानते हैं? बिल्कुल जी, बाबूराम और दिकनास खौड़ किठे के मिलते हैं, क्योंकि मेरा भी खौड़ करने बड़े खास रिश्ता रहा, रिश्तेदारी भी उधर गया तो मेरी ननिहाली भी उधर गए थे, खौड़ में ज्यादा मेरा आना जाना खौड़ का। हाँ, बाबू राम और इमें अदुआ जानना, पहले वो टीचर है, फिर वो मिडिल स्कूल के हैड मास्टर बने, फी आई स्कूल के हैड मास्टर बने, तो हूँ ZDO है, दाढ़ी रखते हैं, हूँ तो दाढ़ी उनकी चिट्टी हुई है, लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान, मास्टर तो है गया है, बच्चे भी उन्हें लाड़, मैं कदें उनके चेहरे पर रो नहीं दिखा कदें भी, क्योंकि काफ़ी पुराना उनके कन्ने रहा है, जदों भी उन्हें आना जम्मू आना या कुदै भी कई जगह कई फंक्शन होने उत्थे अक्सर असें मिलना, पर अज जिस वेले मैं तुसें खबर सुनाई है ते जेल्लै तुसें बाबूराम हुंदा नां लैता खौड़ दे ते मैं सही करी गया कि मैं बाबूराम होर उहे ते नहीं हन, लेकिन ये खौड़ दे कोल गै इक ग्रां है नारायणा, नारायणे दे बड़े अच्छे, ज्यादातर उत्थे मैं मास्टर गै दिक्खे न, ते बड़े अच्छे पढ़े लिखे दे लोक न, और बाबूराम होर आपूं भी बड़े सुलझे दे, विधानसभा हलका छंब दा इह ग्रां है, बड़ा वड्डा ग्रां नारायणा, ते अगर आसा होआ, और खास गल इह दिखणे वाली है कि अगर इंसान है जिस बंदे ने उंदे पर कुमार उंदा नाम कातला नाम हमला कीता जिस च उनेंगी उंदी हत्या हुई है, अगर वह मैंटली ठीक नहीं आ तो परती कुत्थों आई उहदे कोल, देखो कोई पागल है तो घर आले भी चाहिए या होर जिहड़े मौजूद लोग उन्हें चाहिए भी, ऐसे अगर बंदे का दिमाग ठीक नहीं है तो फिर वह हथियार लीए फिरा दा, क्योंकि परती जिहड़ी है वह कोई छोटा मोटा हथियार नहीं हुंदा, परती कन्नै बड़े बड़े तुस लकड़ियां टुकदे हो या किश भी करदे हो, लेकिन बड़ा भारा और बड़ा त्रिखा हथियार हुंदा है, अगर वह दिमागी उहदा संतुलन ठीक नहीं आ तो हथियार तो वह हत्थ च होना नहीं चाहिए, ये घर आले भी फर्ज बनता है कि उसी। दूसरा सुरिंदर जी, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी ये बड़ा सवालिया निशान है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो दिमागी तौर पर दिमागी संतुलन जिसका ठीक नहीं है वो हथियार लेके घूम रहा है, और आप ये भी नहीं करते कि कम से कम उसके घर वालों को भी बताएं कि भैया हथियार लेकर घूम रहा है, किसी वक्त किसी के ऊपर हथियार चला देगा, क्योंकि आप जाहिर सी बात देखिए कोर्ट में तो आप जानते ही हैं कि अगर दिमागी तौर पर एक आदमी ठीक नहीं है तो मामला क्या बनेगा, मामला तो कोई उसमें बनने वाला नहीं है, लेकिन हत्या हुई है एक घर का आदमी, और दुआ है कि सिर्फ उनकी हत्या नहीं हुई है, जी खबर था सारे को पुजिया ना वो ये है कि एक महिला जी है वो जख्मी भी हुए न, और दूसरी गल है कि जिंया गल की है कि ग्राएं च यह है कि जेड़े परथी ली है आम जेड़े किसान वो जन्दे क्योंकि और दूर दराज के जेड़े ग्रां उ परथी आम एक किसान को होंगी है, और ये जड़िया पंचायतों बनी दी उनका फर्ज बनता हा, उनका भी यह फर्ज बनता ज मौजूद जेडे ग्रां के लोग होंगे ने जो उस पंचायत के लोग ने जो उस एरिए जोड़े लोग उनका यह फर्ज बनता कि कुदै भी, खाली नारायणे की गल नहीं मैं करा दा,
कुदै भी अगर कोई दिमागी जिहदा कोई संतुलन ठीक नहीं है उहदे कोल पहली गल है कि उहदे कोल हथियार नहीं होना चाहिए। उहदा फर्ज बनता कि उसी उहदा हथियार वाली उहदा खास ध्यान देखो और उहदे घर वाले की दिशा निर्देश देन कि भाई तुहंदा जिहड़ा बंदा है इहदा दिमागी संतुलन जिहड़ा इह ठीक नहीं है इस वास्ते इहदे हत्थां च हथियार नहीं होंदा। क्योंकि अगर इह दबाव जां ऐसी कोई दिशा निर्देश दित्ते दे होंदे ते शायद मास्टर जिहड़े बाबू राम होर न अज्ज उहदी हत्या नहीं होंदी। मुझे ये बताइएगा कि एक तो जैसे बताया जा रहा है कि इसने हमला किया, आपने वहां किसी से बातचीत की, लोग क्या बता रहे हैं? लोग जेदे कन्ने मेरी गल हुई है उन्हें आख्या भाई वो परथी लिए अक्सर फिरदा हाँ। जेदे कन्ने भी मेरी गल हुई है उन्हें दस्या है कि ये जेड़ा अशोक कुमार है जिहदा नाम दस्या है तुहें कि ये परथी लिए फिरदा रहा हा भाई। अगर इहदा दिमाग की संतुलन जिवें मैं पहला आख्या ठीक नहीं है तो परथी लिए की फिरदा भाई, क्यों फिरदा परथी लिए? और जेड़े बंदे ने हमला करी लिया है इहदी तहकीकात होनी चाहिए, जांच पड़ताल तो इहदी जरूरी है की होनी चाहिए की एक अध्यापक मास्टर विद्या ग्रहण की थी है बड़े लोगों और बड़ा अच्छा सुलझे का मास्टर है बाद जे जेडीओ रिटायर हुए ना ऐसी हत्या होनी अच्छी गल नहीं है। तो आपने सुन लिया कि वहीं के रहने वाले सुरेंद्र सागर जी इन्होंने भी इस यही बात कही कि अगर परथी लेकर एक आदमी वहां पर घूम रहा था तो वहां की पंचायत क्या कर रही थी, वहां के आम जो जीशौर लोग हैं वहां के वो क्या कर रहे थे, प्रशासन वहां पर क्या कर रहा था, और सबसे अहम सवाल तो ये कि जिस घर का ये शख्स है क्या उन घर वालों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जब वो घर से बाहर निकलता है तो कम से कम परथी उससे ले लें। आज जो उसने किया है उसके कारण एक व्यक्ति की मौत हुई है, दो और लोग गंभीर रूप से घायल हैं और जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके उनके घर का चिराग तो चला गया, उनके घर से एक उनका फर्द तो चला गया, अब वो वापस तो नहीं आएगा। लेकिन साफ तौर पर यह कि तमाम लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर वाकई मानसिक रूप से कोई व्यक्ति बीमार है उसके हाथ में हथियार है तो उससे हथियार नहीं दिया जाना चाहिए, और अगर ऐसा कहीं किसी को दिखता भी है तो फौरन नजदीकी पुलिस थाने को उसकी इत्तला करनी चाहिए ताकि थाने वाले कम से कम इसका संज्ञान लें और हथियार जो है लोगों के हाथों में अगर हथियार लेकर कोई फिर रहा है तो कम से कम सवाल जवाब करके उससे वो हथियार छीन लिया जाना चाहिए ताकि इस तरह के हादसे ना हों।